जरूर तो रेल लगे। चंद्रमा वाले का बंदा दूर से है। आप बोले नगरोटा के अंदर कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारी चार गेम्स हैं, जिसकी रजिस्ट्रेशन जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स ने कर ली हुई है। जैसे आप दोनों की क्लब की आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, तो ये आज का जो मैच है ये शो मैच है, जैसा कि वहाँ से डायरेक्शन थी उसके हिसाब से। तो आपको यहाँ पे पिच थोड़ी गिली है, उसके देखते हुए दोनों कैप्टन साहब ने बात कर लेंगे किस तरीके से आप लोगों ने खेलना है। तो हमारी तरफ से आप दोनों टीमों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ में जो ई लॉन्चिंग हमारे डिपार्टमेंट यूथ सर्विस स्पोर्ट्स कप की हुई है, तो ये भी अच्छे तरीके से इसमें यूथ जो हमारा है जो पार्टिसिपेट करे, जो हमारे पास टीमें रजिस्टर्ड हुई हैं वो सारी टीमें इसमें पार्टिसिपेट करें, और जो ब्लॉक लेवल। हाँ सर, ये हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस स्पोर्ट्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, ये ई लॉन्चिंग YSS कप की हो रही है। तो इसमें मेन जो फंक्शन है वो खेलगांव नगरोटा के अंदर रखा गया है, और ऑनलाइन जितने भी हमारी यूटी है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एक गेम का जो है वो मैच रखा गया है। तो उसी डायरेक्शन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर हमने दो क्लब्स का मैच रखा है, क्लब चंद्रमा और वर्सेस नगरी। तो ये मौसम थोड़ा सा बिगड़ा है, लेकिन फिर भी ये मैच हम करवाएंगे। तो ई लॉन्चिंग जैसे ही 12 बजे वहाँ पे शुरू हो चुकी है, ऐसे ही पूरी यूटी में आज कहीं पे वॉलीबॉल मैच हो रहा है, कहीं पे फुटबॉल हो रहा है, कहीं क्रिकेट। तो पूरी यूटी के अंदर जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं आज वहाँ पे ये इसकी ई लॉन्चिंग की जो है शुरुआत हुई है। तो इसके लिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को और अपने डिपार्टमेंट यूथ सर्विस स्पोर्ट्स के जो ऑफिसर हैं उनका बड़ा धन्यवादी हूँ कि ये एक अच्छा मौका हमारे यूथ के पास है कि वो थोड़ा बाहर निकले, और साथ में कोरोना जो बड़ा इस समय छाया हुआ लोगों के मन में के बहुत डरे हुए, उसको जो उसकी डायरेक्शन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आती हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए तो खेलों में भाग लें और अपने आप को स्ट्रांग और हेल्दी और अपना इम्यून सिस्टम जो है उसको स्ट्रांग बनाएं।